मुंब्रा रेलवे स्टेशन ब्रिज के पास दो ओला कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों ड्राइवरों को काफी चोट लगी है और इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भेजा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि कार के पचखड़े उड़ गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये टक्कर दोनों कारों की बिल्कुल आमने सामने से हुई है। एक कार रेती बंदर से मुंब्रा की तरफ आ रही थी तो दूसरी कार मुंब्रा से रेती बंदर की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है दोनों कारों की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर कार पर संतुलन नहीं बना पाए और इस वजह से यह जबरदस्त टक्कर हो गई है। हालांकि टक्कर में दोनों ड्राइवर बताया जा रहा है कि घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोग ने क्या जानकारी दी है आपको सुना दे। भाई हम लोग जब यहाँ पे आए तो एक्सीडेंट जो थी उसके लाइन में ही थी, वेरिडो आके स्पीड में वो घुस गया उसके अंदर, गाड़ी के अंदर एकदम से, और वादा क्या उसका घुस गया बस उसने ठोकर मारा। बाकी बात ये कितने बजे का इंसिडेंट है, कितने बजे का होगा? ये तकरीबन रहेगा 11:30-12 बजे का टाइम था। और ये गाड़ी में कितने लोग थे और दूसरी गाड़ी में कितने लोग थे, टोटल कितने? एक्सीडेंट के अंदर लेडीज वगैरह थी, वेरिडो में एक दो पैसेंजर बैठा हुआ था और एक्सीडेंट के ड्राइवर को ज़्यादा मार लगा हुआ है और लेडीज लोग को ज़्यादा। अभी कहाँ पे लेके गए ड्राइवर को, कहाँ पे लेके गए? वेरिडो का जो ड्राइवर जिसकी गलती थी वो मुमरा चौकी में उसको साहब लोग लेके गया। उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। और जो ये ड्राइवर था उसके खुद हम लोग आने से पहले उन लोग सब निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए, उनको ज़्यादा मार लगा था एक्सीडेंट वालों को। अच्छा, गलती किसकी थी सर? एक्सीडेंट वेरिडो वाले की गलती थी, वेरिडो वाले की गलती थी। पोर्ट रॉन्ग यू टर्न अपना, सॉरी ओवर स्पीड में आ रहा था क्या? वो स्पीड में था और आगे एक्सीडेंट में घुस गया। तो सर क्या नशे का कुछ पदार्थ ले रखा था? नहीं नहीं, नशा नाम करण था, वेरिडो वाले का ड्राइवर का नाम करण था, वो कोई कैब में कंपनी में काम करता है तो उसके कंपनी के सुपरवाइजर उसने बुला लिया। और दूसरे ड्राइवर का नाम मालूम है आपको? नहीं, उसका नाम नहीं मालूम। सर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है आधे से ज्यादा बंद है, इस वजह से ये आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। यहाँ पे हर 10 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हर साल होता है और हर महीने में होता रहता है। तो आप यहाँ के जो नगर सेवक है, जो यानी यहाँ के MLA, उनसे क्या मांग करेंगे? आप फील करोगे यहाँ पे उजाला होना चाहिए, लाइट लगना चाहिए प्रॉपर, और जो कॉर्नर पे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कॉर्नर पे कोई स्लो आए, एक ब्रेकर होना चाहिए, मतलब आपका ऐसा बोलना है स्लो आए गाड़ी, आप बस जो कॉर्नर पे जो भी आता है एकदम स्पीड में गाड़ी आती है। अभी हमने भी एक अभी गाड़ी वाले को देखे यहाँ पे बहुत स्पीड से आ रहे हैं, तो उन लोगों से क्या? नहीं, हमेशा बाइक वाले कार वाले हमेशा स्पीड में आते, बीच में पुराना हादसा आपको याद रहेगा, एक बाइक वाला लेडीज नीचे गिर गई थी, तो ये हमेशा स्पीड में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, ओवरटेक करते कॉर्नर पे गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं होती है तो आपस में टकराई जाती है यहाँ पे गाड़ियाँ।